दूसरी तरफ जनाबे वाला, हमने पिछले 40-45 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया दो अफगान जंगों में, उन दोनों अफगान जंगों में पाकिस्तान जो था वो एक हरावल दस्ता था, एक ऐसी जंग का जो हमारी जंग नहीं थी, और उस जंग के नतीजे में हम दहशतगर्दी जो है जिसको कहते हैं कि घसीट के अपनी दहलीज के अंदर ले आए, खुद दावत दी हमने दहशतगर्दी को। अमेरिका तो वैसे भी खुशकी के रास्ते भी बड़ा दूर है, उसके बाद एक बहुत बड़ा समुंदर है, तो दे फील वेरी सेफ, उनके लिए जंगें जो है वो कमर्शियल जो है इन्वेस्टमेंट होती है। जनाबे वाला आज भी जो यूरोप के अंदर जो जंग जारी है उसका भी कोई जो 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 हुलिया है या दूध दरबा है उस जंग का, वो भी उसी तरह का है। सारा यूरोप जो है वो डेट रिडन है, तमाम इकोनॉमीज डेट रिडन है, एंड अल्टीमेटली हुज बेनिफिटिंग, जो वहां पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनका वो बेनिफिट कर रहा है। हमारी पहले भी जो पॉलिसी थी जो वो भी फ्लॉड थी, हमने जो 9/11 के बाद भी उनके इत्तेहादी बने, आज जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है ये उसी जंग का शाखसाना है। ये लोग जो हमारी धरती के ऊपर हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो यहां पे हैं चाहे बॉर्डर के पार आ रहे हैं, वो उसी जंग का शाखसाना है। और आज भी पाकिस्तानी कौम जो है उस हलीफ होने का जो है एक जुर्माना भुगत रही है, या एक जो है वो उसका कीमत अदा कर रही है, जो हमने दो जंगों में अफगानिस्तान में जो है, और उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। बल्कि कल रात जो दिया वहां पे जो ये स्टेटमेंट आई है, जो आज सुबह पब्लिश हुई है, वो स्टेटमेंट जो है मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शर्मसारी का बायस है पाकिस्तानी कौम के लिए और उन हुकूमतों के लिए जो उस वक्त बरसर इक्तदार थी 80 की दहाई में भी, और जो पहली दहाई इस सदी की थी उसमें भी जो बरसर इक्तदार थी। जनरल मुशर्रफ ने जो फैसला किया, हमने बंदे बेचे उनके आगे, और उसका नतीजा ये निकला है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन और जो बुचर ऑफ गुजरात है उनकी जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया दहशतगर्दी का। तो मेरा ख्याल है सर, अल्लाह ताला खैर खरीत रखे, इलेक्शन जो है वो होते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान की आती है जो एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी जो है या अमेरिका के साथ ताल्लुकात या बाकी हमसायों के साथ ताल्लुकात जो है उनको परसू करती है। और ये जो हमारी जुग्राफिया हैसियत है या जुग्राफिया की लोकेशन जो है इसको हमें लेवरेज करना चाहिए, अपने फायदे के लिए लेवरेज करना चाहिए, बजाय इसके कि इस लोकेशन की वजह से हम दहाइयों से नुकसान उठा रहे हैं। इसके फवायद हैं, बेशुमार फवायद हैं, उनसे हमें मुस्तफीद होना चाहिए।